सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ड्रैग फोर्स को डिस्कस करें। ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या होती है? रिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट वाइल फ्लोइंग थ्रू द या वाइल मूविंग अक्रॉस द फ्लो। ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, इट इज द इंक्रीजेस एज स्पीड इंक्रीजेस। अब इसकी लाइफ एग्जाम्पल ये आप डिस्कस कर सकते हो। इफ यू गोइंग इन अ कार, यू टेक योर हैंड आउट ऑफ द कार एंड द स्पीड ऑफ द कार इज स्लो, यू वॉन्ट एक्सपीरियंस एनीथिंग अक्रॉस योर हैंड। बट इफ द स्पीड ऑफ द कार इज वेरी हाई, आप अपना हाथ बाहर निकालते हो, एक आपको एक एक्सट्रीम फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जिस आपके हाथ को पीछे की तरफ को भेज रही होती है। ठीक है, दैट इज अ लाइफ एग्जाम्पल कि हाउ ड्रैग फोर्स एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सर यस सर। ड्रैग फोर्स जो है उसको इट इज गिवन बाय एन इक्वेशन 6 पाई ईटा आर वी। ये जो आर वी जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी को शो कर रहा होता है। जो ईटा है इसको ईटा कहते हैं, दिस इज बेसिकली द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। विस्कोसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दैट अराइज व्हेन लिक्विड फ्लो अक्रॉस ईच अदर। ठीक है, लेयर्स के इन बिटवीन जो फ्रिक्शनल होती है ना, इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हमें ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज्यादा थिक लिक्विड होगा उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स हम एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा हम ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एंड सेम गोज फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी एज वेल। ओके, सर ईटा वाली बात बता सकते हैं? ईटा विस्कोसिटी को इंडिकेट कर रहा होता है ना। तो जितनी ज्यादा सर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जितना ज्यादा थिक होगा आपको पता है उतना ही डिफिकल्ट होगा हमें एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस होगी बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करें, सॉरी स्टोक्स लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जो नेट फोर्स है इट इज इक्वल टू, नेट फोर्स नॉर्मली किसकी इक्वल होती है? नेट वेट फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स सर के इक्वल होती है ना। ठीक है, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस करें तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो, बिकॉज वेट और ड्रैग फोर्स आपस में क्या हो जाती है? इक्वल। टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, क्लियर? अब वेट की जगह पे क्या आ जाएगा? एम जी। और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी भी किया क्या था? 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ से वी किसके इक्वल आ जाएगा? एम जी ओवर 6 पाई आर के। ओके, अगर हम एम को डिस्कस करें तो वो किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। और वॉल्यूम फॉर अ स्फेयर किसके इक्वल होता है? 4 बाय 3 पाई आर क्यूब के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। इफ आई पुट दिस हेयर मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब ओवर 6 पाई आर। सॉरी, ईटा तो लिखना भूल ही गया, 6 बाय ईटा। आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आर के नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 बाय 18 डेंसिटी इनटू पाई, भी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर इनटू जी। तो बस वो मैं जी लिखना भूल गया था, एम जी वाला जी। और ये ठीक है,
नीचे कुछ रह गया हमारे पास, नीचे सिर्फ डेंसिटी रहेगा, वो सॉरी विस्कोसिटी रहेगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2/9 बन जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, 2/9 डेंसिटी इंटू आर स्क्वेयर इंटू जी ओवर ईटा। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप टर्मिनल वेलोसिटी का किसके साथ बन रहा है, डेंसिटी के साथ, रेडियस के स्केयर के साथ एंड ग्रेविटी के साथ, और इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है, विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड। आर वी क्लियर अबाउट द इक्वेशन? जो नेट फोर्स है वो ड्रैग की बताइए ना सर आपने, कि ड्रैग जीरो हो जाएगा जो वेट ड्रैग फोर्स नहीं जीरो होगा, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट जीरो पे। होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। बस जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है तो वेट किसकी इक्वल होता है, एयर रेजिस्टेंस की इक्वल होता है ना। ओके, अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हो, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, अपवर्ड क्या एक्ट करेगा, ड्रैग फोर्स, तो उसकी नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की इक्वल, ऐसे ही है ना। और अगर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो नेट फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होती है, जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी बता सकते हैं क्या होती है सर? आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस क्वेश्चन राइट नाउ इफ यू डोंट नो द टर्मिनल वेलोसिटी। बल्कि क्या इग्नोर करना, साथ ही बता देते हैं अहमद, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। मैं बार बार बोल भी रहा हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, जब वेट एंड ड्रैग फोर्स आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। उस स्पीड को क्या नाम दिया जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी का। अब जो पहली क्वेश्चन है जिसको हमने करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यू। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल भी की थी, विच वॉज, बल्कि इसको मैं अभी रेज ही कर देता हूँ, इसको मैं बाद में लिख लूंगा। देयर आर टू, हमारे पास जो है लिक्विड के फ्लो होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से फ्लो होता है, कल भी पढ़ा था हमने, एक लैमिनर फ्लो होता है और एक हमारे पास क्या होता है जिसको स्ट्रीम लाइन भी कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, टर्बुलेंस। आसान लफ्जों में हमने इनको क्या पढ़ा था, क्या बात की थी हमने कल, हसन, टर्ब लैमिनर फ्लो क्या होता है, तो क्या कह रहे हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो को कैसे डिफाइन किया जाता था इजी वर्ड्स में। रेगुलर फ्लो था हमारे पास, ठीक है, और ये क्या होता है, इरेगुलर। अगर हम डिटेल में बात करें तो मैंने क्या कहा था, इफ एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग द एग्जैक्ट सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल बिफोर इट, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, लेमिनर फ्लो का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ये पाइप ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे से पानी फ्लो कर रहा है यहाँ से आउटसाइड, आप यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल का पाथ ही एग्जैक्टली प्रीवियस आने वाला पार्टिकल फ्लो करे, तो उस तरह के फ्लो को क्या नाम दिया जाता है, रेगुलर फ्लो का, या लेमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो का नाम दिया जाता है। तो अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाए तो उसको क्या कहते हैं, इफ पार्टिकल दैट पासेस अ पॉइंट फॉलोज एग्जैक्टली द सेम पाथ एज द पार्टिकल फ्लो, ठीक है, कि ये पार्टिकल चला गया, अब
अब आने वाला पार्टिकल अगर एग्जैक्टली वही पाथ को फॉलो करे तो सच अ फ्लो इज नोन एज लैमिनर फ्लो। वो ग्लास लाइक लिक्विड देखा है ना, ग्लास लाइक वाटर आ रहा होता है, पता ही नहीं चल रहा होता वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोस्टली मॉल्स वगैरह के अंदर, वो वाटर शोज के अंदर भी ऐसे यूज होता है हमारे पास, यस सर, देखा है। वो जो ग्लास लाइक फ्लो होता है ना बिल्कुल। जिसमें ऐसा लगता है कि पानी खड़ा हुआ है। हाँ ऐसे लगता है कि जैसे पानी बिल्कुल खड़ा हुआ, लेकिन एक्चुअली वो फ्लो कर रहा होता है, वो बिल्कुल ग्लास लाइक फ्लो होता है, उसको लेमिनर फ्लो का नाम दिया। ओके। यस सर, और इरेगुलर और अनस्टडी फ्लो को क्या नाम दिया जाता है? टर्बुलेंस। टर्बुलेंसी का वर्ड तो आपने सुना भी होगा, फ्लाइट्स के अंदर अक्सर यूज भी करें, टर्बुलेंट यस है, सर, प्लेन वही वाला, होता वही टर्बुलेंट वाला। ओके। अब ये जो हमने फ्लो ऑफ द लिक्विड किया है ना, इसकी कंडीशंस होती हैं जिनकी बेसिस पे हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट के फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या होगा तलहा? फिर ठीक नहीं होगा। नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगी उसके अंदर। विस्कस का मतलब क्या होता है? विस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लिक्विड। तो नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। एंड ये एज्यूम ही किया जाता है, ऐसा होता नहीं है, इट्स एज्यूम्ड। बिकॉज प्रैक्टिकल में आप जब आते हैं तो हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को नहीं इग्नोर कर सकते। सेकेंड है, हमने ये पॉइंट रखना है कि लेमिनेट फ्लो की बात फ्लूइड करें इज इनकम्प्रेसिबल। ना, लिक्विड वैसे नॉर्मली तो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, बट फॉर इट टू कंसिडर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो हमें ये कंसिडर करना है कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। एंड लास्ट इज फ्लूइड मोशन अच्छा इज स्टेबल। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस विच आर फॉलोड बाय अ आइडियल फ्लूइड। जैसे आइडियल गैसेस पढ़ी थी ना हम लोगों ने, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ी होगी, मे बी 10th के अंदर और 9th के अंदर। आइडियल गैसेस जो लॉ करती हैं, जो फॉलो करती हैं गैस लॉ को, इस तरह के से आइडियल फ्लूइड्स भी होते हैं, और हम सिर्फ उन फ्लूइड्स को आइडियल कंसिडर कर सकते हैं विच गिव्स अस दिस थिंग। लेकिन असल में तो ओके। नहीं करते ना एग्जिस्ट अभी नहीं करते हैं वो, जो ग्लास लाइक मूवमेंट होती है तो वो उस तरह की चीजें वो कर रही होती है ना, लैमिनर फ्लोज होते हैं। हाँ बहुत से फैक्टर्स को इन यस। अकाउंट लेके आते हैं कि हमने चीजों को कंट्रोल करना है, किस तरीके से करना है। फिर तो नॉन विस्कस बनाना पॉसिबल है। हाँ मेक मेक इट फ्रिक्शन को इग्नोर करना इज पॉसिबल। वी नो दैट कि फ्रिक्शन को इग्नोर किया जा सकता है, मतलब हमसे है फ्रिक्शन को कुछ भी नहीं मिनिमाइज भी करेंगे किया उसको। जा सकता है। ठीक है, अब आती है हमारे पास पहली इक्वेशन, विच इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझना, इसी की बेसिस पर आदि दोनों इक्वेशंस आनी है। कंसिडर करो हमारे पास पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है व्हाइल गोइंग अप लाइक दिस। ठीक है, अब हमने कोई से दो पाथ कंसिडर कर लेने हैं। लेट्स से कि हम इनिशियल पाथ ये वाला पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं एंड दिस पोर्शन, जहां से वो इन हो रहा है और जहां से वो एग्जिट कर रहा है, दीज टू पोर्शन। ठीक है, सपोज एम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इन टू वॉल्यूम के मास। अब अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड इज, जितने पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज डेल्टा एक्स एंड एरिया इज ए वन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस कंसिडर किया है इट्स दिस एंड उसका एरिया क्या है मेरे पास? ए।
सच दैट एरिया वन इज बिगर देन एरिया टू, डायग्राम में ही हमें पता लग रहा है। ओके अब मैं वॉल्यूम की जगह पे ए एक्स लिख सकता हूं, एरिया इनटू यस लेंथ लिख सकता हूं, बिकॉज हमने पढ़ा जी भी सर, हुआ है यस कि सर, वॉल्यूम इज एक्स लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, उसमें ये जो है वो एरिया कंसिडर होता है। ओके और ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड हमने पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, वी इंटू टी के। एम किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी इंटू टी। ओके अब इस एरिया के लिए मैं इसको एम वन कंसिडर कर लेता हूं, इसके लिए मैं एम टू कंसिडर कर लेता हूं। अब अगर आप देखो इस डायग्राम को गौर से, सो डू यू थिंक कि मास ऑफ द लिक्विड हेयर एंड मास ऑफ द लिक्विड हेयर चेंज हुआ होगा, जो यहां से इंटर हुआ उसी मास ने एग्जिट करना है वहां से, या मास में कोई चेंज आएगा? सेम ही होगा सर, आई थिंक सर सेम सेम ही ही होगा रहेगा। ना, अगर हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर करते हैं कंप्रेसिबिलिटी इन तमाम चीजों को, और अगर पाइप में कोई लीक नहीं है तो जो मास यहाँ से इंटर हो रहा है वही मास यहाँ से एग्जिट होगा। सर लेकिन जो उस एरिया में कम वॉल्यूम था पानी का, उस एरिया में ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम किसने का ज्यादा बोला, मास नहीं किसने होगा? बोला वॉल्यूम कम ज्यादा है? आपका जो पानी इंटर हुआ है वही वहीं से बाहर जाएगा ना, कि डिफरेंट जाएगा? सर जब एरिया कम है तो वॉल्यूम भी कम ही होगा। क्यों, सर वाई इज वहां दैट? पानी आप पाइप 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 एक कंसिडर कर रहे हो, पाइप की थिकनेस आपने वेरी किया, तो क्या वहां से गुजरने वाला पानी भी कम ज्यादा हो जाएगा? पुट योर थोड़ी इमेजिनेशन इनटू यूज बेटे। जी सर सो आई कैन से कि एम वन ये वाला और एम टू आपस में इक्वल है, ठीक है? अब मैं इनको इन रिस्पेक्ट टू एम वन एंड एम टू पुट करता हूं, अब टी को देखो मैंने टी का टाइम नहीं चेंज किया, बिकॉज मैंने सेम टाइम में रिकॉर्ड किया था उन तमाम चीजों को, तो टी का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड, यहां से भी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड। ओके डू वी थिंक कि इनकी डेंसिटी ने चेंज होना है अक्रॉस द, मतलब लिक्विड तो सेम ही है, मैं लिक्विड को चेंज कर रहा हूं, लिक्विड जो यहां से इंटर हुआ वो ही यहां से एग्जिट कर रहा है ना, तो उसकी डेंसिटी में कोई यस चेंज सर, आएगा? जी जी नाइस सर, नहीं आना चाहिए। सेम टाइप ऑफ लिक्विड है ना, सो मैं दोनों की जगह पे डेंसिटी इंटू इस इंटू दिस एंड ये इंटू दिस लिख सकता हूँ, बस यस सेम ही सर, लिक्विड है जो एरिया वन और एरिया टू से पास आउट कर रहा है, तो ये फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा, ए वन इंटू वी वन इक्वल्स ए टू इंटू, तो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड स्पीड इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। ठीक है अब ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड कैसे बन रहा है, कोई बता सकता है व्हाई आई एम सेइंग दिस कि ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड है? हसन हसन हम ये पूछेगा सर आप पूछ क्या रहे हैं, सर टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वेयर, मीटर स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकेंड।
यस सर। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का, और सेकंड किसका होता है? टाइम। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। ओके, जी सर। डू वी अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? इज देर एनी पार्ट विच इज स्टिल बॉदरिंग तलहा? जी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो सर ज्यादा पानी आएगा वहां से। यार पानी ज्यादा कम की तो बात नहीं हो रही वहां पे। आपने उसको एक दफा आपने इन कर दिया तो वही वॉल्यूम वहां से बाहर जाएगा ना। और वैसे भी मैंने यहाँ पे तो ये वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को कहाँ पे कोई कांस्टेंट रखा है? मैंने कहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है? नहीं, लेकिन मास को तो सर रखा है ना इक्वल। बेटा आप ये देखो, आपने पानी इंटर किया, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोग्राम्स ऑफ वाटर, सॉरी 10 लीटर्स ऑफ वाटर आपने इंटर किया, ठीक है, तो वो 10 लीटर ही यहां से एग्जिट करेगा ना। मास कहीं रास्ते में चेंज तो नहीं होगा ना उस लिक्विड का? के होगा चेंज? इज देयर एनीथिंग ड्यूरिंग द पाथ जहां पे उसके मास में कोई चेंज आ सकता है? जो आपने वाटर एंटर किया ड्यूरिंग द पाथ, क्या उसमें कोई चेंज आएगा मास में या लीटर में? आप इस सर चीज को इमेजिन करो ना। आपने एक पानी की बॉटल इंटर, आपने एक पानी की बॉटल जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है, इसके अंदर। अब जो एंटर किया वो ही एग्जिट करेगा ना। कोई रस्ते में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहां पे पानी ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, या वाटर की बात नहीं, फ्लूइड की बेसिकली बात कर लेते हैं। वाटर का वर्ड नहीं भी यूज करते, वाटर तो मैं एज अ रेफरेंस दे रहा हूं आप लोगों को। क्या ड्यूरिंग द पाथ कहीं पे डू यू थिंक कि कोई चेंज आएगा? कोई ऐसी चीज हो रही है जहां पे उसमें कोई चेंज आ सकता है? चलो आप ही मुझे बताओ सर, ऐसे मैं चेंज कर रहा हूं कैसे? वो तो सिर्फ तभी है ना जब आप और वाटर एंटर करोगे उसके अंदर, या और फ्लूइड एंटर करोगे, ठीक है। तो कुछ चीजों को हम लोगों ने एक बड़ी बेसिक लेवल के ऊपर डिस्कस करना होता है। आप उसको मिक्सअप इस लिहाज से कर रहे हो कि आप वॉल्यूम वहां से और वहां से आप मुसलसल पानी को ऐड कर रहे हो। इवन अगर आप मुसलसल वाटर को ऐड भी कर रहे हो तो जो आपने यहां से ऐड किया वही यहां से एग्जिट होगा ना। फिर आपका सर एक्सपेंड किया तो छोटा हो ना। अलोंग द पाथ तो कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही ना कि जहां से उसमें कुछ एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से वाटर इन करके इसको बंद कर दिया आउटलेट, जस्ट मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो अब यहां से जाने वाला पानी का वॉल्यूम तो वही होगा ना जो यहां से एंटर हुआ। और अगर कॉन्टिन्यूस भी रखते हैं तो भी जो यहां से एंटर हो रहा है वही एग्जिट हो रहा है ना। अब ऐसा तो कुछ नहीं है यहां से एग्जिट होते हुए कुछ ऐसा मैजिकल हो गया कि यहां से वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया, तो सर ऐसा फिर यहाँ पर होगा X2 छोटा होगा ना। नहीं। हमने डिस्टेंस बराबर रखे हैं दोनों के, जिस जिस सेक्शन में हम लोग ले रहे हैं ना, ये तो हमने खुद देखा ना कि जब मैंने स्टॉप वॉच ऑन की तो मैंने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों में मैंने कॉन्स्टेंट रखा, सेम पाथ रखा, ताकि हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक जगह पे डिस्टेंस ज्यादा ले लूं और एक जगह पे कम ले लूं और कहूं ये डिस्टेंस बराबर है, ऐसा होगा? वो तो मैं खुद सपोज कर रहा हूं ना, मैं इस चीज को सपोज कर रहा हूं कि जो डिस्टेंस मैंने स्टार्ट में लिया ट्रेवल बाय द लिक्विड, वही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस मैंने एंड पे लेना है ट्रेवल बाय द लिक्विड, या जिस भी सेक्शन में मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो आई हैव केप्ट इट कॉन्स्टेंट कि जितना यहां पे डिस्टेंस कंसिडर किया उतना ही डिस्टेंस फ्लो मैंने यहां पे कंसिडर करना, राइट?